मैं अपने गांव गई थी ना, तो गांव पे आम का पेड़ लगा हुआ है, उसमें ढेर सारी अमियां लगी हुई थी। मेरा तो मन देख के ही ललचा गया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरीके से मैंने ढेर सारी अमियां भी खा ली नमक मिर्च के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ढेर सारी अमियां तोड़ कर भी लेकर आई। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आम की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये जो आम की रेसिपी मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी लिया है और गैस ऑन कर देते हैं। पानी को अच्छे से हमें बॉयल करना है, इस बात का आपको खास ध्यान देना है। तो इधर पानी लगभग 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल हो गया है। जब तक पानी ठंडा हो रहा है ना, चलिए हम कुछ मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना ले लिया है और 1 से 1.5 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे ले लिया है साबुत धनिया। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 6 से 7 मैंने मिर्ची ले लिया है और कुछ दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, कम से कम आधी छोटी चम्मच जितना काली मिर्च होगा। और 1.5 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है, सौंफ थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है। और अजवाइन, मंगरेल यानी कि कलौंजी, ये आधी छोटी चम्मच जितना दोनों मिलाकर लेना है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये काला सरसों, आप इसकी जगह पीला वाला सरसों भी ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास सरसों है ना, वो आप आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये भी 1 से 1.5 चम्मच जितना डाल दिया है। इन मसालों को ना हमें धीमी आंच पे भूनना है। एक्चुअली क्या है ना कि मसालों में थोड़ी बहुत नमी होती है, तो इस तरीके से भून लेंगे ना तो मसाले अच्छे से भून जाएंगे और जितनी भी नमी है वो निकल जाएगी। आप इन मसालों को धूप में भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मसाले छिटकने लगे हैं और थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर मसाले को चलाते रहें ताकि मसाले ठंडा हो जाएं, तब हमें मसाले को पीसना है। तो इधर मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं और आप देख सकते हैं मसाले का जो कलर है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मसाले को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाता है। तो इस तरीके से मसाले ठंडे हो गए हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार लेना है, उसमें हम सारे मसाले को डाल देते हैं। मसाले को हमें दरदरा पीस कर तैयार करना है। तो इस तरीके से मसाले को ग्राइंडिंग जार में डाल दें या फिर सिलबट्टे के ऊपर पीस लें। तो जो भी आपको आसान लगे ना, जिस तरीके से, उस तरीके से आप मसाले को पीस लें। आप देख सकते हैं मसाले को मैंने पीस लिया है और मसाले का टेक्सचर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एकदम दरदरा सा मसाला बनकर तैयार हुआ है ना, इसी तरीके का हमें मसाला चाहिए। तो चलिए, मसाला तो हमारा तैयार हो गया है और आम को भी देख लेते हैं। तो आम को मैंने अच्छे से तोड़ने के बाद धो लिया था। धोने के बाद इसे मैंने रख दिया था ना फ्रिज में, क्योंकि गांव से आने के बाद मैं 2 दिन के बाद ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आम को धोने के बाद इसे अच्छे से पोंछ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से इसके साइड वाले पार्ट को कट करेंगे और इसे बीच से कट लगाना है। तो आम ना, आम के आप अपने हिसाब से कई तरीके के टुकड़े कर सकते हैं। मैं एकदम अलग तरीके से इसको बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इस तरीके से आम के ऊपर हल्के से दाग रहते हैं, ये ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दाग रहे ना तो हमें इस तरीके से छीलकर हटा देना है। और इसके सारे बीज को पहले हम कट करके निकाल देंगे। फ्रेंड्स, पहले आपको याद होगा जब हम छोटे थे ना और इस तरीके से आम के जो बीज निकलते थे, तो मेरी दादी कहती थी ना कि इसका बीज है ना, इस तरीके से उछालने पर जिस साइड में जाएगा उसी साइड में आपकी शादी होगी। तो मुझे एक खेल सा ये लगता था और मैं बार बार दादी से कहती थी कि चलिए हम इसी तरीके से करके देखते हैं। और देखिए, एक साइड में ही ये बार बार उछल के जा रहा है। अच्छा, ये बताइए फ्रेंड्स, क्या आपने भी कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस किया है या फिर खुद भी इस तरीके से आम की गुठली को उछाल कर देखा है कि किस साइड में शादी होगी? अगर ये बात सच है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कभी इस तरीके का एक्सपीरियंस बचपन में किया है या नहीं किया है। तो इधर देखिए, मैं इस तरीके से पतले पतले टुकड़े में और लंबे टुकड़े में आम को, सारे आम को मैंने कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से इसको कट करना है ना, आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट आम का अचार बना रही हूँ, वो भी पानी वाला। तो सारे आम कट गए हैं और पानी भी अच्छे से ठंडा हो गया, तो इसे एक गिलास में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, पानी ना एक गिलास मैंने लिया था, ये एक गिलास से थोड़ा सा कम हो गया है बॉयल होते हुए और एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो आम में हम पानी डाल देते हैं क्योंकि हमें आम का पानी वाला अचार बनाना है। तो आधा गिलास जितना मैंने पानी डाला है और जो मैंने मसाले पीस कर रखा था ना, उससे हम 2 बड़े चम्मच जितना मसाले डालेंगे। तो मसाले की
क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये अचार ख़राब ना हो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच वेनेगर। वेनेगर डालें या ना डालें तभी भी अचार ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से वेनेगर डालने से ना काफ़ी लंबे समय के लिए आप इस अचार को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सादा नमक, काला नमक, हल्दी पाउडर और हींग लिया है मैंने। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे अचार में नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है। अब हम इसमें डाल देते हैं एक बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल। बस इतना ही सरसों का तेल जाएगा इसमें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरसों के तेल को अच्छी तरीके से गर्म करें फिर ठंडा करें, आप ऐसे भी डाल देंगे ना तो कभी भी अचार आपका ख़राब नहीं होगा। वैसे आप चाहें तो सरसों के तेल को अच्छी तरीके से धुआं आने तक गर्म करें और उसे ठंडा होने के बाद अचार में मिलाएं। वैसे बहुत ही कम तेल के साथ मैं इस अचार को बना रही हूँ क्योंकि ये आम का पानी वाला अचार है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिला लिया है और आप देख सकते हैं अब ये अलग अलग सा लग रहा है ना। जैसे जैसे ये थोड़ा सा मैच्योर होगा बहुत ही बढ़िया सा इसका फ्लेवर, टेक्सचर, कलर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ जाएगा। तो ये जो अचार है ना इसे हमें 3 दिन के लिए ढक के रखना है। तो आप धूप में रख दें या फिर किसी भी गर्म जगह पे रख दें, सूखे चम्मच से हमें इसे बार बार चलाते रहना है। तो दिन में 1 से 2 बार आप चला दें ताकि मसाले और पानी सब कुछ अच्छे से मिक्स होता रहे। इस तरीके का कोई सा भी जाली वाला बर्तन लें, उससे अचार को ढक दें ताकि इसमें धूल वगैरह ना जाए और अच्छी तरीके से धूप भी लगे या फिर हवा भी जाती आती रहे। तो मैंने फिलहाल इसे धूप में रख दिया है और 3 दिन के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। वैसे अगर आपके यहाँ धूप अवेलेबल नहीं है, फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे किसी भी गर्म जगह पे रखें और बीच बीच में अचार को मिलाते रहना है। तो इसे हम फिर से मिलाकर ढक देते हैं। तो चलिए मैं आपको 3 दिन के बाद इस अचार का रिजल्ट दिखाती हूँ। ये जो पानी वाला अचार है ना आप किसी भी खाने के साथ खाएं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप देख सकते हैं अचार ना अच्छी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब भी कर लिया है और पानी वाला अचार है इसकी वजह से ये जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाता है। और जैसे जैसे ये अचार मैच्योर होगा ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता जाएगा। 3 दिन के बाद आप इस अचार को आराम से खा सकते हैं, काफ़ी अचार सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन 1 हफ्ते के बाद बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। तो अभी फ़िलहाल हमें इस अचार में तड़का लगाना है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 5 फोरन यानी कि 5 स्पाइसेस। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो 1 छोटे चम्मच जितना मैंने ये 5 फोरन ले लिया है और 2 बड़े चम्मच जितना मैं डालूंगी इसमें सरसों का तेल। अब गैस को हम ऑन कर लेते हैं, अच्छी तरीके से इसे मिला लेते हैं ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएं। और जैसे ही मसाले चिटकने लगे, बढ़िया से भून जाएं और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और फटाफट से अचार में इस मसाले का तड़का लगाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये अचार बनकर तैयार होता है। पानी वाला अचार है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और हींग। तो यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच जितना मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, हींग ले लिया है, इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से तेल में ही मिक्स कर लेंगे और इसका तड़का लगा देंगे अचार में। और इसे तुरंत हमें ढक देना है ताकि तड़के का फ्लेवर ना अचार में बढ़िया से आ जाए। एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला ये अचार बनकर हमारा तैयार होता है और डाइजेशन के लिए भी ये अचार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरीके से एक बार हम बढ़िया से इसे मिला लेते हैं। और ये रहा हमारा पानी वाला आम का अचार जो कि देखने में आप देख सकते कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको ये आम का पानी वाला अचार की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि 1 लाइक से ना फ्रेंड्स मेरा हौसला बढ़ता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए इस तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साइड में जो घंटी का आइकन है ना उसे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं अचार जो है हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। कुछ अचार ना इस तरीके से खाने में ज़्यादा बढ़िया लगता है, थोड़ा सा क्रंचीनेस रहती है अचार में और टेस्ट भी अचार का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये पानी वाले आम के अचार की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वैसे मैंने ढेर सारे आम के अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है, अब इस अचार को आती है बारी रखने की। और अचार को ना किसी भी
कांच के जार में या प्लास्टिक के जार में रखे। जार जो है ना बढ़िया से साफ और सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार आपका खराब हो जाएगा। इस अचार को हम जार में अच्छी तरीके से दबा दबा कर रख देते हैं। एक और मैं बात आपको बताना चाहती हूँ, पानी वाला आम का अचार है, इसका मतलब ये नहीं है कि यह अचार खराब हो जाएगा। आप इस अचार को पूरे साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस सूखे हाथ सूखे चम्मच से आपको अचार को निकालना है, आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। और इस तरीके से आप थोड़े क्वांटिटी में भी आम का अचार पानी वाला बना सकते हैं और किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। मेरे घर में तो कोई सा भी खाना इस अचार के बगैर अधूरा लगता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी ही बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। पूरे साल रखना तो दूर, ये एक महीने में ही ख़त्म हो जाता है, ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। और घर के आम का अचार है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी इस तरीके का पानी वाला आम का अचार बनाया है या नहीं बनाया है। कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो अचार को हम इस तरीके से देखिए दबा दबा कर भर लेते हैं और साइड वाले हिस्से को पोंछ देते हैं, ताकि अचार ना कभी भी खराब ना हो। जार जितना ही साफ सुथरा रहेगा ना, अचार आपका कभी भी खराब नहीं होगा। इस तरीके से कॉटन का कपड़ा ऊपर लगा देते हैं और इसे बीच बीच पे हमें धूप लगाते रहना है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अगर आप पूरे साल के लिए अचार को स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके से कॉटन का कपड़ा लगाकर धूप में रख दीजिए। इससे धूप की वजह से जो नमी बनती है ना, अंदर तक अचार के नहीं जाएगी, कॉटन का कपड़ा ही सोख लेगा। बीच बीच में अचार को आपको हिलाते डुलाते रहना है, ताकि जो अचार का मसाले का फ्लेवर है ना, मिलता जुलता रहे। तो इस तरीके से फटाफट से आप पानी वाले आम का अचार बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। किसी भी खाने का स्वाद ये बढ़ा देगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।